शाह ने पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मानने से जय शाह ने इनकार कर दिया है। लेकिन आई थिंक ये आईपीएल का एक उनके पास बड़ा एक ट्रम्प कार्ड रहता है कि वहाँ पे वो इतना नवाजते हैं और उनकी इनकम भी आईपीएल से। अब आप देखिए 31 मार्च से शुरू हुआ आईपीएल और 28 मई को खत्म होगा, दो महीने तक तकरीबन होना, और जिस तरह क्राउड खचाखच भरा होते थे स्टेडियम, तो उसको देखते हुए तो आईपीएल उनका एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट है। जी जी, और बल्कि ये भी इत्तला थी कि वो साल में दो दफा आईपीएल करने की कोशिश, तो फिर दुनिया की क्रिकेट कहां जाएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं। आज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया अपना दबदबा दिखा रहा है। आप काफी हद तक वो सही है, दबदबा दिखा रहे हैं क्योंकि दबदबा है फिलहाल, पैसों का खेल है, सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई के पास है आज की तारीख में, तो वो दबदबा दिखेगा। जो इन्फ्लुएंस उनका आईसीसी में है इंडिया का, वो पूरी तरह उसको इस्तेमाल करके एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी एक तरफा फैसले करके तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की उनकी कोशिश शुरू से जारी है। यार ये जो नजम सेठी ने जो ये जलील हरकतें शुरू की हुई है ना, ये ना करते तो शायद मामलात बिगड़ने के बजाय बन जाते। तो आप समझते हैं अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, मतलब पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी जाती, हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो जाता है और सपोज पाकिस्तान इंकार कर देता है खेलने से, तो इससे बड़ा धक्का नहीं लगेगा फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्पॉन्सर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टेलीविजन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू? अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो सीधा सीधा और वो होस्ट नहीं करता है तो सबसे पहले तो सीधा सीधा $6 मिलियन को उसको छोड़ना पड़ेगा। पहला सवाल ये है कि क्या पीसीबी उसको छोड़ सकता है? कुछ भी हो, कहीं भी हो, पीसीबी का नुकसान हो ही गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पाकिस्तान अब एशिया कप से हाथ धोने की कगार पर है, मतलब कि पाकिस्तान से पूरी तरह से एशिया कप अब लगता है कि बीसीसीआई छीन लेगा और पूरी तरह से ये जो एशिया कप है ये हाइब्रिड मॉडल को छोड़कर एक न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। लग ही रहा है कि ये पूरी तरह से श्रीलंका को शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आज कल ये मीटिंग हो चुका है। एक अनऑफिशियल रिपोर्ट आया था, जैसा ने मना कर दिया था कि हम हाइब्रिड मॉडल में राजी नहीं है। इसके बाद कल मीटिंग बैठा होगा, आईपीएल तो कल नहीं हुआ, आज इसका सारा रिपोर्ट आ जाएगा क्योंकि उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, हर दिन कोई ना कोई शो आ रहा है और आज इस शो में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि भाई बीसीसीआई को आईपीएल की बहुत ज्यादा घमंड हो गई है, इतना पैसा बीसीसीआई आईपीएल से कमा लेता है कि उसको एशिया कप को घास नहीं डाल रहा है और एशिया कप को पूछ नहीं रहा है, एशिया कप हो या ना हो बीसीसीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं देखते हैं मैं आपको वीडियो के एंड पर। चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हैं, तो उन्होंने अब से एक दो महीने कबल ही ये ऐलान कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी और उस पर बड़ी लेदे हुई। और फिर उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान ने पहले एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया जिसके तहत इस एशिया कप के भारत के मैचेस जो है वो पाकिस्तान से बाहर न्यूट्रल वेन्यू पर हो और बाकी मैचेस पाकिस्तान में, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर दूसरा हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया कि पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैचेस हो और बकिया 9 मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो। और कभी इस हवाले से खबर आती है कि भारत ने मंजूरी दे दी है, कभी इस हवाले से खबर आती है कि भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। जय शाह जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं, वो अपने स्मार्ट अंदाज से अपने कार्ड खेल ले और उन्होंने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर बनाए रखा है। पाकिस्तान को क्या तनहा करने की कोशिश है? आप 5 ममालिक 4 ममालिक एक हो गए और आपके इल्म में होगा कि जो आईपीएल का फाइनल 28 मई को शेड्यूल्ड है उसमें भारत ने स्पेशली मधु किया है क्रिकेट श्रीलंका के प्रेसिडेंट को, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर को और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर को, और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। आप क्या समझते हैं ये क्या सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? पहले भी इंडिया की यही कोशिश रही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को तनहा करने की, न सिर्फ ये कि एज अ कंट्री एज अ नेशन बल्कि क्रिकेट में भी उनकी ये कोशिशें जारी हैं। जो इन्फ्लुएंस उनका आईसीसी में है इंडिया का, वो पूरी तरह उसको इस्तेमाल करके एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी एक तरफा फैसले करके तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की उनकी कोशिश शुरू से जारी है। तो ये यकीनन ये बात है कि इंडिया की इंटेंशन साफ नजर आ रही है। अभी तक पाकिस्तानी चैनल ने खबरें चलाने शुरू कर दी कि मंजूर हो गया, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। हाइब्रिड मॉडल के हवाले से फिर फैसला होगा है तो पाकिस्तान बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में है, इस वजह से कि जैसे मैंने कहा कि भारत का जो क्लाउड है आईसीसी में और एसीसी में भी जो है उनका, उसके हिसाब से डोमिनेंस है भारत, डोमिनेंस है। और ये बहुत ही श्रूड उन्होंने मूव किया है, जो आप ये बता रहे हैं कि उनके सुदूर को उन्होंने एन वक्त पे आईपीएल के फाइनल के लिए मधु कर दिया है, तो वहां भी वो इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। वो तो ऑलरेडी है इन्फ्लुएंस, आप देखिए ना, बिल्कुल ध्यान। लेकिन मजा, लेकिन आई थिंक ये आईपीएल का एक उनके पास बड़ा एक ट्रम्प कार्ड रहता है कि वहां पे वो इतना नवाजते हैं और उनकी इनकम भी आईपीएल से। अब आप देखिए 31 मार्च से शुरू हुआ आईपीएल और 28 मई को खत्म होगा, दो महीने तक तकरीबन होना, और जिस तरह क्राउड खचाखच भरा होते थे स्टेडियम, तो उसको देखते हुए तो आईपीएल उनका एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट है। जी हाँ जी हाँ, और बल्कि ये भी इत्तला थी कि वो साल में दो दफा आईपीएल करने की कोशिश, तो फिर दुनिया की क्रिकेट कहां जाएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं। भारत की जो चौधराहट है इसको भी अब तोड़ने का या इसको कम से कम हिलाने का वक्त है कि ये इस तरह से क्रिकेट खेल, पाकिस्तान कैसे हिलाएगा? कोई ममालिक साथ तो दे नहीं रहे। तो हार्डकोर स्टांस बीसीसीआई का यही है कि वो पूरा का पूरा एशिया कप जो है वो चाहते हैं श्रीलंका में हो। आज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया अपना दबदबा दिखा रहा है। आप काफी हद तक वो सही है, दबदबा दिखा रहे हैं क्योंकि दबदबा है फिलहाल, पैसों का खेल है, सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई के पास है आज की तारीख में, तो वो दबदबा दिखेगा क्योंकि आज की तारीख में अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है अपने अपने बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के
हर तरफ फ्रेंचाइज लीग खेलने की लिए अगर वो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हर फ्रेंचाइज लीग में आज की तारीख में इंडियन ओनर्स है। आप सीपीएल ले लो, यूएई लीग ले लो, आप साउथ अफ्रीकन लीग ले लो, आप तो कहीं पे भी आप ले लो कि तो वहां पर इंडियन ओनर्स हैं। तो ये दबदबा है बीसीसीआई का, और इसी वजह से फिलहाल अभी जो है वो काफी हार्ड स्टांस है, क्योंकि हाल ही में नजम सेठी साहब ने काफी सारे स्टेटमेंट डाले, उन्होंने कहा कि हाइब्रिड नहीं होगा तो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट होगा। क्या पीसीबी ये बॉयकॉट का वैल्यू उठा सकता है? क्या पीसीबी $6 मिलियन जो उनको होस्टिंग फीस मिलता है अगर वो श्रीलंका में पूरा कराते हैं, क्या उसको वो छोड़ सकते हैं? तो हर चीज बात फाइनेंस पे आ जाती है। तो अगर पीसीबी बॉयकॉट करेगा वर्ल्ड कप का, तो क्या वो उतने पैसा जो उनको मिलता है खेलने का, पार्टिसिपेशन फी का, और वो जो एक क्यों खेलेंगे क्रिकेट किसी कंट्री में, वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलते हैं, अगर वो वर्ल्ड कप ही नहीं खेलोगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो कहने के लिए एक अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो है वो पीछे की खेमे में काफी ज्यादा है। तो आप समझते हैं अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, मतलब पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी जाती, हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो जाता है, और सपोज पाकिस्तान इनकार कर देता है खेलने से, तो इससे बड़ा धक्का नहीं लगेगा फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्पॉन्सर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टेलीविजन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए सर, इंडिया पाकिस्तान के मैच हमेशा बिग टिकट मैचेस होते हैं, और जो भी ब्रॉडकास्टर इसके राइट्स खरीदता है एशिया कप के, वो इतना पैसा उनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि $2.5 मिलियन आपको होस्टिंग फी मिलता है, आपको $1.5 मिलियन का टिकट सेल्स की गारंटी मिलती है, उसके अलावा आपको $2 मिलियन का पार्टिसिपेटिंग फी मिलता है। ये आपका ब्रेकअप है हर कंट्री के लिए, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो सीधा सीधा, और वो होस्ट नहीं करता है, तो सबसे पहले तो सीधा सीधा $6 मिलियन को उसको छोड़ना पड़ेगा। पहला सवाल ये है कि क्या पीसीबी उसको छोड़ सकता है? आज की तारीख में अफगानिस्तान हाथ पैर जोड़ रहा है कि सेकेंड स्ट्रिंग टीम भेज दो आप भारत का, लेकिन हमारे साथ एक सीरीज खेलो। श्रीलंका बहुत तैयार बैठा होता है, कभी भी आप श्रीलंका को बुला दो सीरीज खेलने के लिए। इंडिया के साथ अगर बायलैटरल सीरीज भी खेले तो वो बोर्ड को ज्यादा फायदा है। तो अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसके प्रेसिडेंट जयशाह है, वो अगर पाकिस्तान के बिना अगर एशियन क्रिकेट एशिया कप करते भी हैं, जरूर ये जरूर है कि दो बड़े मैचेस के ब्रॉडकास्ट फीस स्टार स्पोर्ट्स नहीं देगा, उसको माइनस करेगा, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि बात फिर जब आ जाएगी तो बात मॉरल्स और प्रिंसिपल्स की आ जाएगी, अगर पीसीबी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई भी पीछे हटेगा, वो चार कदम आगे जाके वो एशिया कप ही होस्ट करेगा और पाकिस्तान के बिना। सपोज पाकिस्तान इनकार करता है वर्ल्ड कप में न जाने का, तो उस सूरत में आईसीसी क्या पाकिस्तान पे पाबंदी लगा देगा या पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा? पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो उसको जो सबसे बड़ा जो 6 से 8 मिलियन का जो पार्टिसिपेटिंग फी मिलता है वो नहीं मिलेगा। अब क्या पीसीबी वो रेवेन्यू शेयर छोड़ के क्या वो सस्टेन करेगा? क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो रेवेन्यू शेयर मिलता है उसको छोड़ के सस्टेन करेगा? अब बात यह है कि क्या पीसीबी सिर्फ पीएसएल के दम पर अपने आप को सस्टेन कर पाएगा? तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया आईपीएल से जेलस हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जितना बड़ा मतलब पीएसएल को दिखाते हैं, पीएसएल कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने। मतलब आईपीएल एक पहाड़ है तो पीएसएल एक पत्थर है पहाड़ का, तो इसी तरह का आईपीएल और पीएसएल के आप कंपेरिजन कर सकते हैं अगर देखें तो। मतलब आईपीएल इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान की अब बीसीसीआई को कोई भी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आईपीएल से अगर मुनाफा बन जाता है, हमारी खिलाड़ियों को देखने के लिए हमारे लोग इतने उत्सुक होते हैं, इतने मतलब आतुर होते हैं कि अब कोई किसी कंट्री की जरूरत, मतलब बस 2-4 प्लेयर को लेकर ही आईपीएल बनता है, बाहर के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, उसमें भी आईपीएल हिट दिन ब दिन हिट होता जा रहा है, ना कि कभी फ्लॉप हुआ। तो इसे आप सब समझ सकते हैं। इस साल तो 2.5 करोड़ तक भी डिजिटल जो वॉचिंग स्ट्रीम में चली गई थी, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट कैप है आईपीएल का। तो आईपीएल से ही इतना मुनाफा कमा लेता है कि भाई आईसीसी की मैच भी इतना ज़्यादा नहीं दे पाता इंडिया को, मतलब रेवेन्यू लाकर। तो इसी में अगर जो आईपीएल करा के पाकिस्तान के बिना इतना ज़्यादा मुनाफा बीसीसीआई कमा ला रहे, तो आईसीसी जो एशिया कप का घंटा मतलब कमाएगा बीसीसीआई, उससे अगर मतलब कमाएगा तो कितना कमा लेगा? मतलब पाकिस्तान के बिना भी अगर हो जाएगा तो कितना लॉस हो जाएगा? ये पाकिस्तान को लॉस होगा, पाकिस्तान को 6 मिलियन लॉस होगा। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना चाहिए कि हम ये जो 6 मिलियन है ये बियर करेंगे। तो अगर ये पाकिस्तान के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि बीसीसीआई को तो भाई कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको 40% रेवेन्यू आईसीसी देता है और आईसीसी को रेवेन्यू लगभग 70-60% बीसीसीआई देता है, उसको पीसीबी क्या धमकाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, और आईपीएल को लेकर इनकी जो जेलसी 2008 से लगी आ रही, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।